नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है सिक्स प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर इस प्रैक्टिस टेस्ट में दस सवाल हैं और वे सभी एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और यह प्रैक्टिस टेस्ट लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम से संबंधित और एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित हर जानकारी के लिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन Read the following statements with reference to the Kyoto Protocol on Climate Change. We Kyoto Protocol Climate Change. And Kyoto is in Japan. The first statement is Each signatory, that is country, has common and equal responsibility. Dusra statement Clean Development Mechanism or CDM, Joint Implementation (JI), and International Emissions trading are the three mechanisms under Kyoto Protocol to reduce the greenhouse gas emissions, under Kyoto Protocol, India has agreed to reduce its greenhouse gas emissions by half by 2050 as compared to 2005 emissions. a question is which one of the following is the correct choice? A only one is true. Ki statement one is B only two is true. true. Statement two is true. C only one and two are true, and three is not true. Yet D only two and three are true. Two or three are true. तो देखिए इसमें जो सही है वो है टू ठीक है तो बी इज द करेक्ट आंसर और इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहला स्टेटमेंट ये है कि हर कंट्री का कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये बात सही नहीं है क्योंकि क्योटो तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो कंट्री ज्यादा पोल्यूट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट या रिड्यूस करने की तरफ और जो कंट्री कम पोल्यूट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो सारे कंट्रीज की एक समान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ठीक और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन एंड इंटरनेशनल मिशन ट्रेडिंग ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों उस से निकले थे, तो, तो सही है और Protocol, उसके कंपेरिजन में हाफ रिड्यूस करना ट्वेंटी तक संभव नहीं है इंडिया के लिए तो ना वन सही है ना थ्री सही, सही, सही है सही है सिर्फ टू इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कार्बन डाइक्साइड फॉर कार्बन सोर्स एंड रिड्यूसटें फॉर एनर्जी सोर्स एंड फोर एरोक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर फॉर गेटिंग एनर्जी एरोबिक का मतलब होता है वो जो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है और कार्बन सोर्स के लिए वो क्या करता है तो एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता ऑटो खुद बनाता है ऑटो मतलब दूसरे डिपेंड करता है तो वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है और एरोबिक भी है मतलब ऑक्सीजन भी उसको चाहिए इट यूजेस ऑर्गेनिक मैटर फॉर कार्बन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स तो ये तो सही है वन सही है एरोबिक हेड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स ये सही नहीं है क्योंकि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है एज कार्बन सोर्स और उससे फिर फोटो के द्वारा वो ग्लूकोज बनाता है तो ये टू सही नहीं है एरोबिक बैक्टीरिया कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सोर्स एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस फॉर एनर्जी सोर्स और ये देख लेते हैं सही है या नहीं और फोर एरोबिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज ऑर्गेनिक मैटर फॉर गेटिंग एनर्जी तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए वन इज करेक्ट एंड थ्री इज करेक्ट तो क्योंकि फोर भी सही नहीं होगा एरोबिक एरो मतलब जो खुद खाना बनाता है वो ऑर्गेनिक मैटर को एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं करेगा ठीक है वो कार्बन सोर्स को uh, uh, तो इसमें ए सही है वन इज करेक्ट एंड थ्री इज करेक्ट एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है अपना खाना खुद नहीं बना सकता है वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेगा एज कार्बन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स और थ्री है एरोबिक ऑटोट्रोफिकेरिया कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन सोर्स एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस फॉर एनर्जी सोर्स कि वो खाना बनाने के लिए वाया कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा और वो करेगा और वो ग्लूकोज बनाएगा और एनर्जी के लिए फिर वो जनरेट uh, करेगा क्वेश्चन थ्री फॉर द मेजर इंडियन एनवायरमेंटल एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाटर एक्ट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एयर एक्ट

To reduce negative impacts and to provide positive contributions to the natural environment and well-being. Those statements are. a question is the correct choice is one is correct, two is correct, incorrect. Two is correct, one is incorrect. C both one and two are correct. Or D both one and two are incorrect. So one. What is saying? Life cycle assessment, life cycle analysis. Ka jo goal hai, is to assess the environmental impact of products from a system perspective and to identify possible improvement strategies. Correct. लाइफ साइकिल एनालिसिस होता है किसी प्रोजेक्ट का तो उसका उसका ध्येय यह होता है कि वो प्रोजेक्ट बना यूज हुआ और डिस्पोज हुआ इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ और कैसे इसको और इको फ्रेंडली कर सकते हैं कैसे प्रोसेस को इन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं सही है और फिर कह रहा है इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पहचानना प्रोडिक्टिंग मतलब उसका मूल्यांकन करो एंड इवेल्युएटिंग इवेल्युएटिंग मतलब मूल्यांकन और प्रोडिक्ट मतलब कि उसका पूर्वानुमान पूर्वानुमान करो लाइकलीम्पैक्ट ऑफ एपोज प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट टू डिफाइन मिट्टी से हम क्या करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसका अनुमान लगाते हैं और जो इम्पैक्ट हुआ उसका हम आकलन करते हैं कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कितने किस किस चीज पर इम्पैक्ट हुआ और फिर उसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि हम कहाँ इम्पैक्ट को कम कर सकते थे रिड्यूज नेट को कहा कम कर सकते थे और जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उसको कहाँ कहाँ बढ़ा सकते थे जो कि इन्वर्मेंट के लिए बेटर होता है

कि बैक्टीरिया दैट नेचुरली इन अ क्लोज्ड सिस्टम सच एज द ब्रेन एंड द मसल ये होता है एंडोजेनस बैक्टीरिया तो इन एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म बाय एरोबिक बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल्स तो वैसे भी ये स्टेटमेंट तो हो सही होगा क्योंकि एंडोजेनस बैक्टीरिया जो होता है किसी लिविंग बॉडी के सेल के अंदर होता है तो वो सारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो भी सेल के अंदर होगा और दूसरा जो फोर्थ क्वेश्चन है थर्ड है द एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म इज लिंक्ड टू फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म क्या होता है टाबोल इज ब्रॉडली डिफाइंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन दब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये भी सही है क्योंकि अगर एंटोजनस माइक्रोब है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है शरीर के अंदर है तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में फॉमेंटेशन करके और अपना एनर्जी ले सकता है ठीक है तो आंसर होगा ए वन इज करेक्ट एंड थ्री इज करेक्ट वन है इन एंटोजनस मेटाबोलिज्म बाई एरोक्टीरिया अगर एरोक्टीरिया है

बाहर छोड़ रहा है और पर्टिकुलर मैटर भी छोड़ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट दोस्ट एंड इफ दिस मैटर इज इंटेंडेड एफिशियर रीज अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे होगा अगर इस पर्टिकुलर मैटर को रियूज करना है तो ये आप मान सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का केस है जिसमें बॉयलर होता है बॉयलर में पर्टिकुलर बॉयलर से गैस फ्लू गैस भी निकल रही होती है पर्टिकुलर मैटर भी निकल रहा होता है और जो पर्टिकुलर मैटर होते हैं वो बेसिकली फ्लाई एश होता है और उसको रियूज करने का इंटेंशन होता है तो उसके केस में आप क्या करते हैं पर्टिकुलेट मैटर को इकट्ठा करने के क्योंकि आप आंसर तो तो नहीं कि. को तो बढ़ा दो, पर को कम कर दो तो ये सही आंसर नहीं होगा यूज ऑफ वेट कलेक्टर्स वेट कलेक्टर्स करेंगे तो जो फ्लाई ऐश है वो कलेक्ट होगी पर वो वेट कलेक्ट होगी तो उसको रियूज कर नहीं सकते हैं जो ऐश को सूखा रहना चाहिए सी यूज ऑफ फ्लू गैसेशन फ्लू गैसुलाइजेशन से पर्टिकुलर मैटर को कैप्चर नहीं किया जाता है उससे गैस है जो पर्टिकुलर मैटर को कैप्चर करता है और जब कैप्चर करता है और फिर कैप्चर करके नीचे आ जाता है ई एस पी से और नीचे से फिर आप उसको कलेक्ट करके अलग कर लेते हैं तो अगर आपको फ्लू गैस मेंुलर मैटर कलेक्ट करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए तो आंसर इज डी ठीक है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग डेल्टन लॉ फिक्स लॉ स्टोक्स लॉ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ग्रेविटेशनल सेटलिंग या गैस लिक्विड फेज ट्रांसफर तो हम सब जानते हैं कि एम को मिलाएंगे हम थ्री से ग्रेविटेशनल सेटलिंग और फिक्स लॉ को मिलाएंगे हम डिफ्यूजन से के को मिलाएंगे हम वन से तो के ऑप्शन ए में के को वन से मिलाया गया है और एम uh, को मिलाया गया है थ्री से तो so, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ठीक है क्योंकि इस तरह के मैच द फॉलोइंग में आपको सारे जवाब आना जरूरी नहीं है पर जो जवाब आपको आता है आप देखिए वो अगर जो आप जानते हैं कि सही है वो देखिए वो कहाँ मिलाया गया तो so, एम को यहाँ पर थ्री से मिलाया गया लॉ लॉ ग्रेविटेशनल सेटलिंग फिक्स डिफ्यूजन तो मुझे पता है कि ये ऑप्शन ये सही है ठीक है क्वेश्चन एट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लीबिंग लीबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम द ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय द लिमिटेड फैक्टर्स फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज इन स्कैरसिटी एंड नॉट रिसोर्सेज अबंडेंस तो ये सही है लिविंग स्लो ऑफ मिनिमम का कहना ये है कि अगर किसी इको में सब कुछ है पर एक कोई फैक्टर है जो बाकियों से कम है कोई एक मिनरल है या नाइट्रोजन है सब बाकियों से कम है तो उस इकोसिस्टम का या उस इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होगा वो उसी बात से तय होगा कि कितना नाइट्रोजन है जो अलाउ कर सकता है उतने लोगों को उतने स्पीशीज को ग्रो करने के लिए तो मिनिमम फैक्टर जो होगा जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वही होगा जो इको में कम है

ट करते हैं तो ये और कॉम्बिनेशन सक्सेस तो ये सही है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो डिवेलपमेंट है एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशन पर डिपेंड करता है और हर ऑर्गेजम का जो हर एक इन्वायरमेंटल फैक्टर का जो इंपैक्ट है उसका एक मिनिमम लिमिट होता है मैक्सिमम लिमिट होता है ऑप्टिमम लिमिट होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होता है आंसर इज बी शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस भी सही है और लीविक्स लॉ ऑफ मिनिमम भी सही है so, बीच में जो स्टेटमेंट है शेल्फोर्ड लॉ के बारे में ये गलत है टू इज रॉन्ग ठीक है question number 9 read the following statements trivalent chromium has relatively low aqueous solubility and low mobility in soil environment by contrast hexavalent chromium has a higher aqueous solubility and greater mobility in the soil environment So, hai two the chemical reaction between trivalent chromium and zero valent iron will result in transformed version called hexavalent chromium pata nahi ki hai sahi hai ki. third hexavalent chromium is a known carcinogen

And सिर्फ खड़ी होती है तो वो हीट बहुत अब्जॉर्ब करती है ठीक है और उसकी वजह से वो एरिया बहुत गर्म हो जाता है तो वो हीट आइलैंड हो जाता है गर्म आइलैंड हो जाता है तो उसी को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे हाथ लगाएंगे तो फिर जमीन उतनी गर्म नहीं होगी उसी को तो उससे वो

अर्बन हीट आइलैंड इंटेंसिटी इंक्रीज ड्यू टू इंसुलेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव रूफ्स इन अ सिटी ये गलत है रिफ्लेक्टिव रूफ्स क्या होते हैं कि छत के ऊपर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं तो वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस स्पेस में और छत गर्म नहीं होती है तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इंटेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ रिफ्लेक्टर रूफ्स ना कि इंक्रीजेस तो सी गलत है डी इन कंपैरिजन विद द नॉन अर्बन एरियाज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट रेजेस नाइट टाइम टेंपरेचर्स मोर देन डे टाइम टेंपरेचर्स इन सिटी ये भी सही है नॉन अर्बन एरिया मतलब विलेज एरिया के मुकाबले अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जब शहरों में होता है तो दिन के साथ साथ रात का भी टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देता है और ज्यादा ही प्रभावित करता है रात के टेम्परेचर को ठीक है तो सही सभी सही है जो सभी नहीं सही नहीं है वो सी है अर्बन हीट आइलैंड इंटेंसिटी टू इंक्रीजे सिटी ये गलत है इंक्रीजेस की जगह पर यहाँ पर डिक्रीजेस होना चाहिए था ठीक आज के लिए इतना ही आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए स्लो हूँ पर और प्रैक्टिस से लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी थैंक यू जय हिंद जय भारत